हे गाइस ऑल एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अब हम देखते हैं जल्दी से, क्या हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं फॉर्म में। हम फॉर्म बनाना सीख रहे हैं और लगभग सीख चुके हैं, और इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कगार पे हैं हम। इसको फटाफट से कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने पासवर्ड बनाना सीखा था, फीडबैक मैसेज के लिए जो टेक्स्ट एरिया बनाया था उसके बाद पासवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर डायरेक्ट इसके लिए लेबल नहीं बनाएगा सबमिट के लिए, लास्ट कर रहे हैं। वैल्यू दें तब भी इसमें वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट करेंगे। मैंने यहाँ पे रीसेट बटन बनाया इसलिए वैल्यू मैंने अलग कर दिया है, वरना वहाँ पे ये देखिए सबमिट इतना लेस इनपुट टाइप इज इक्वल टू कोट में सबमिट कोट ग्रेटर, ये बनाइए मेरे तरीके से। अगर खाली सबमिट बनाना है तो टाइप सबमिट आईडी की मैंने टाइप किया है, अगर आप चाहें तो वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट भी कर दें, लेकिन मैंने सिर्फ पहले ये सबमिट बनाया। फिर उसके बाद ठीक है, ये वैल्यू के लिए मैंने अलग कर दी, रीसेट बटन के लिए लेस टाइप इक्वल टाइप इक्वल टू बटन कोड अब वैल्यू इक्वल कोड ग्रेटर। तो एक सबमिट बटन हो गया, एक रीसेट बटन हो गया, जिसमें फॉर्म का आप करेक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉर्म का करेक्शन। ठीक है, लेस स्लैश फॉर्म ग्रेटर, फॉर्म टैग क्लोज। क्या हुआ, पहले सबमिट बटन, पहले सबमिट बटन फिर रीसेट बटन, दोनों बना दिया फॉर्म। लेस इनपुट टाइप इक्वल्स क्वोट सबमिट क्वोट ग्रेटर, less input type equals quote button quote value equals quote reset quote greater less slash form greater less slash body greater less slash body greater less slash html greater less slash html greater। ये आपका आज फॉर्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका css फॉर्म कंप्लीट है, सबमिट रीसेट पासवर्ड फीडबैक एवरीथिंग आई हैव टू एक्सप्लेन यू ऑल। ओके, तो अब मेरा रिस्पांसिबिलिटी खत्म, अब कुछ नया देखते हैं।